सीरियल इश्कबाज में बेघर हो गया है अनिका और उसका परिवार। जी हाँ, कहानी ने ले लिया है नया मोड़, जिसमें अनिका, गौरी, चाची और साहिल को घर से बाहर निकाल दिया गया है और भटकते भटकते वो टकरा गए हैं प्रियंका से, जिसने अनिका का नर्म स्वभाव और उसकी मजबूरी को समझकर उसे अपने घर में सहारा देने का सोचा है। अनिका प्रियंका की वेडिंग प्लानर है और अब उनके साथ उनके घर में ही रहेगी। प्रियंका के साथ अनिका के परिवार को देखकर दादी हैरान हो जाती है। प्रियंका दादी से कहती है कि इन लोगों को रहने का सहारा नहीं था, तो इसलिए वो उनको साथ में ले आई है और अब ये लोग आउट हाउस में रहेंगे। जिस पर दादी कहती है कि क्या तुमने शिवाय से पूछा है, तो प्रियंका दादी को जवाब देती है कि वो शिवाय से नहीं पूछना चाहती क्योंकि वो अनिका को अच्छे से जानती है। वेल, फाइनली अनिका की हो गई है ओब्राय मेंशन में एंट्री, तो जाहिर सी बात है कि शिवाय और उसका आमना सामना तो होगा ही। मुसीबत आन पड़ी है हम पे, घर से मतलब बेसिकली छत छूट गई है, लेकिन भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता है। प्रियंका चाहती है कि मैं उसकी वेडिंग प्लान करूं। देखो, मिला भी तो शिवाय सिंह ओबरॉय की बहन ने कहा कि वेडिंग प्लान करने के लिए। सो मज़ा आने वाला है क्योंकि आई थिंक अब हम ओबरॉय मैंशन के बस घर के बाहर ही रहने वाले हैं, तो वो लुक लुक फर्स्ट टाइम और वो सब होने वाला है। मगर ये किसे पता था कि पहली ही मुलाकात में गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी और शुरुआत में ही एक दूसरे के दिल में आ जाएगी नफरत। दरअसल बात यह है कि अनिका ने बनाया है काजू वाला डोसा, जो कि प्रियंका के लिए था, लेकिन किसे पता था कि प्रियंका को है काजू से एलर्जी और बिगड़ जाएगा उनका चेहरा। ये सब देखकर शिवाय हो गए हैं अनिका से बहुत नाराज और हो गया है अनिका से झगड़ा, क्योंकि काजू वाला डोसा खाने के कारण प्रियंका की तबीयत जो खराब हो गई है। हाँ यार, मुझसे ना, मुझे पता अभी थोड़ी ना सपने में आएगा मैं इतना अच्छा ठेले पे डोसा बनाती हूँ, मैंने डाल दिए काजू। पहली बात है, डोसे में काजू कौन डालता है, पर मैं डालती हूँ। मैंने डाला और उससे वो बेहोश हो गई और मैं गई हॉस्पिटल उसको लेके, और फिर वहाँ जो मेरा और शिवाय का फर्स्ट टाइम आर्ग्यूमेंट हुआ है और झगड़ा हुआ है वो देखने वाला है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एपिसोड एक्चुअली। वेल, अब कहानी में नया फ्लेवर और तेवर आ गया है और अनिका की ओब्राय मेंशन में एंट्री भी हो गई है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवाय और अनिका के बीच क्या खिचड़ी पकती है।